नाम मेरा नाम आशुतोष मीना है जी। कहाँ से आए आप? जी मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आया हूँ। बताइए, आपका आज डीवी था ना? हाँ। क्या रहा, कैसा रहा प्रोसेस, कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए ब्रीफ में। डीवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और स्टाफ भी सपोर्टिंग थे और एट फर्स्ट हमको पहले यहाँ पर अटेंडेंस लिया गया था, उसके बाद फिर एक रूम में जाके बैठा दिया, उसके बाद इन्होंने बायोमेट्रिक के लिए हमको भेज दिया अंदर। उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ और फ़ोटो सेशन भी हुआ वहाँ पे, कुछ फ़ोटो लिए गए थे हमारे। उसके जस्ट बाद हमको वापस रूम में बुलाया गया और पर कैंडिडेट को वहाँ पे जो स्टाफ अलॉट किए हुए हैं उनके पास भेजा गया डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। और वैसे तो स्टाफ सपोर्टिंग ही था, बट जिनके नाम में मिस्टेक थी उनके लिए एफिडेविट देना पड़ा। और उसके जस्ट बाद हमको मेडिकल मेमो के लिए ऊपर भेजा गया जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल में चेक हो रहे थे। उसके बाद हमारी राइटिंग मैच कराई गई और 6 जगहों पर हमारे सिग्नेचर लिए गए थे। उनको कंफर्म होने के बाद हमको मेडिकल मेमो के लिए हमारी फ़ाइल इशू कर दी, कंप्यूटर लैब में गई थी वो, वहाँ से उनको उनके बाद हमको मेडिकल मेमो इशू हुआ। मेडिकल मेमो इशू होने के बाद हमको जो एक स्लिप यहाँ पर जमा करवानी होती है बाहर निकलने के लिए, और हमको मेडिकल मेमो मिल गया। फिर मेडिकल मेमो, हाँ। मेडिकल मेमो में क्या क्या मेंशन है? मेडिकल मेमो में कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल मेंशन है और अपने नाम सिग्नेचर और कुछ नहीं है, बस कोई स्टैंडर्ड मेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड मेंशन नहीं है उसमें, वो डायरेक्ट इनके पास से वहीं जाएगा स्टैंड। ये तपन सिन्हा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये कहाँ पे है? ये मेट्रो कहीं, इतना आइडिया नहीं है मेरे को अभी, नहीं शालदिया नहीं है, ये है टेलीगंज में, टोलीगंज में। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि जैसे कि कोई जो जो आप दौरान थे वहाँ पे और भी कैंडिडेट थे, तो किन्हीं को कोई भी प्रोसेस में कुछ दिक्कत आई तो वो थोड़ा सा बताइए। उनका ज़्यादातर एसटी जो सर्टिफिकेट था ना, बायोमेट्रिक से बताइए पहले। अच्छा, बायोमेट्रिक में एक कैंडिडेट को दिक्कत आई थी जिसका बायोमेट्रिक लगभग 50% ही मैच हो पा रहा था। अच्छा, उसको एट लास्ट में सचिव के पास भेजा गया था, उसके बाद में पता नहीं उनको जो कन्फर्मेशन मिला, हाँ, उसके बाद उनका बायो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए मेमो, उसके बाद इशू हुआ, हाँ मिल गया था। तो मतलब बायोमेट्रिक नहीं था तो क्रॉस वेरिफिकेशन किस तरह से किए? अब ये तो मालूम नहीं, बायोमेट्रिक नहीं था उसका कितना परसेंट मैच हो रहा था इतना डिटेल मालूम नहीं। अच्छा। बट जो हैड राइटिंग भी है उनके पास, सिग्नेचर भी है, मतलब कि एक प्रोसेस के अलावा और भी है उन्हें, ऐसा नहीं घबराने की बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, एक बार लगता है बस कि क्या होगा, बट हो जाता है, घबराने की बात कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा है और बताइए कहाँ किसको किसको प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो एसटीएससी सर्टिफिकेट जो होता है ना, हाँ। उसमें ये जो खासकर एसटी सर्टिफिकेट में जो मीनाओं का, हाँ। होता है उसमें हमारे जो सरनेम है वो MEENA होता है। अच्छा। और हमारा जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो MIENA से होता है। अच्छा। तो उनको थोड़ा समझने में देर लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, हाँ ये चेंज क्यों है। और जो लिस्ट है उसमें हाँ उसमें सेंटर की जो लिस्ट में तो MIENA ही है। अच्छा। और हमारे जो नाम है ना, हाँ। जो टाइटल हमारा वो MEENA है। अच्छा, इसमें दिक्कत है। अच्छा, और जो अगर इनका जो रेलवे फॉर्मेट हम उसको सबमिट कराते हैं यहाँ पे, हाँ। फिर तो कोई इशू है ही नहीं उनको। और अगर मान लीजिए स्टेट का कोई है तो उसका कोई इशू होगा? नहीं यार, देखो इतना तो मालूम नहीं है, इन्होंने स्टेट का एक्सेप्ट करेंगे शायद ही, मुश्किल ही करें स्टेट का एक्सेप्ट, वो लिखवा लेते हैं एक बार, हाँ बाद में आप सबमिट करा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपका एंड हो जाएगा सारा चीज़ का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक कैंडिडेट था जिसका NOC नहीं था उसके पास, गवर्नमेंट जॉब, हाँ। अच्छा। तो उसका NOC मिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके 2 महीने ही हुए थे ज्वाइन। अच्छा, करे हुए। अच्छा। तो उससे बोल दिया आप बाद में आओ, और बाद में आओ, उनको मेमो नहीं मिला, उनको मेमो। उसके बाद उसने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था ऑफिस में, हाँ। उसको मेल के जरिए मंगाया। अच्छा। और यहाँ पे सबमिट डिपॉजिट करवाया, उसके बाद उसको मेमो दिया, मेमो दे दिया, हाँ। मतलब एज अ प्रूफ उसने कुछ दिया, हाँ एज अ प्रूफ उसने दिया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थे या सेंटर का? नहीं, वो रेलवे में ही था, ग्रुप डी में था। रेलवे ग्रुप डी में ही थे। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पे ऐसा, मतलब आपको प्योरली कंपल्सन है कि पिछला NOC लेके आना है? हाँ बिल्कुल, NOC मतलब कि मैं इस जॉब को अप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। और दूसरा चीज़ जैसे कि और कोई प्रॉब्लम? और तो क्या थी, वो बहुत बच्चों का पूछना था कि कैपिटल लेटर्स में, मतलब CBT 1 और CBT 2 में कुछ लिखा है, डिक्लेरेशन yes. और फिर सिग्नेचर वगैरह, काफ़ी से गलती से कैपिटल लेटर्स का दिया था। वो डिक्लेरेशन क्या है, जैसे यहाँ वहाँ पे तो हिंदी और इंग्लिश में दे रहे थे वो लोग, बट यहाँ पे ओनली इंग्लिश में है वो। अच्छा। जो CBT 1 में जो डिक्लेरेशन था
उसमें उसकी तो सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है अपने को इसमें यहाँ पे, और जो CBT सेकंड का डिक्लेरेशन है वो पूरा लिखना है। अच्छा, उसके बाद 6 टाइप के आपको सिग्नेचर करने हैं, मतलब एक जैसे ही करने हैं वो तो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। मान लो जैसे कि कैपिटल लेटर्स में, तो यहाँ पे बोलेंगे कि कैपिटल लिखो। नहीं, और सिग्नेचर नहीं, जैसे कि मान लो CBT 2 में उन्होंने गलती से सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में कर दिया, तो यहाँ पे भी कैपिटल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब उसमें भी ये सब छोटे छोटे इशू, ये इससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। मेजर इशू ये हो गया कि आप SC सर्टिफिकेट में थे है ही नहीं, और आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर, तब दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे मोटे में कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, वो कर लेते कोऑपरेटिव है इतना। अच्छा, आउट ऑफ 10 कितना रेट करना चाहेंगे RRB कोलकाता और उनके स्टाफ को? आउट ऑफ 10 7 7 हाँ, व्हाई? बिकॉज इनका जो टाइमिंग था ना वो बड़ा ढीला था, ढीला था। हाँ बिल्कुल, हम फर्स्ट शिफ्ट के अब फ्री हुए, अभी आप? हाँ अभी फ्री हुए, फर्स्ट शिफ्ट का हूँ मैं अभी, फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, मुझे लगा सेकंड। नहीं, हम फर्स्ट शिफ्ट वाले निकल रहे हैं या वो? नहीं नहीं, अभी उनका बाकी है बहुत सारा प्रोसेस। लेट कहाँ पे हो गई? लेट यहाँ पे हुए, इसने जो डिटेल में जो डॉक्यूमेंट चेक हुए ना उनमें लेट हुए थे हम, तो किन्हीं को जल्दी निकाल दिए, किन्हीं को आपका रोल नंबर लेट से आया? हाँ लेट भी था मेरा रोल नंबर, बट इतना लेट तो नहीं था, 50 कैंडिडेट का था तो नहीं होना। हाँ, जिसका, और स्टाफ जो था वैसे काम तो कर रहा था, ऐसा नहीं हम नहीं बोल सकते काम नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपको दिक्कत हुई तो इसके वजह से? इसके वजह से। और अंदर कुछ खाने पीने का इंतजाम था? नहीं, कुछ नहीं था, कैंटीन भी नहीं थी कुछ? नहीं, वो आप बाहर से जाओ। आपको जाने दे रहे? हाँ, दे रहे थे खाना खाने के लिए, बाहर खाने के लिए। हाँ, दे रहे थे। अच्छा, लंच ब्रेक कितने देर रुका हुआ था इनका? ब्रेक नहीं हुआ था, जैसे हमको मेडिकल मेमो के लिए और जो डिटेल में डॉक्यूमेंट चेक होने के लिए जाते हैं उसमें टाइम लगता है। अच्छा, जब उसमें टाइम लगता है तो फिर आप उस ड्यूरेशन में कर सकते हो जो करना। हाँ, तो अच्छा ये चीज़ है। और पानी वानी पीने का इंतजाम? हाँ वो तो है, पानी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और जैसे अभी आपका कल नेक्स्ट कल ही है? हाँ मेडिकल कल है। कितने बजे से है? 8:30 बजे से। 8:30 बजे से बिल्कुल। अच्छा, और अभी आपने और कोई और एग्जाम क्वालिफाई किया इससे पहले? इससे पहले मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं, कोई नहीं। आपके पास आउट कब के हैं, मतलब लास्ट जो है? 2016। हाँ, डिप्लोमा नहीं, बीटेक। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करना है, RPSC से RS की। और जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं DV मेडिकल के लिए, हाँ, उनको आप क्या, मतलब एज अ लास्ट मैसेज या सजेशन के तौर पे क्या बोलना चाहोगे? लास्ट मैसेज तो यही है बस, अपना ST जो सर्टिफिकेट है ना उसको लेके आए और अपने दो सेट तैयार करें। वैसे यहाँ पर तो एक ही सेट यूज में आ रहा है डॉक्यूमेंट्सों का, और इतने घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने को लगता है बस हो जाता है। लगता है आपको? था घबराहट? बिल्कुल था, बिल्कुल था। हाँ अच्छा, और आपको लग रहा है कि जो हम यहाँ से रिव्यू वगैरह कर रहे हैं ये जो आने वाले कैंडिडेट उनको हेल्प मिलेगा? बिल्कुल हेल्प मिलता है, मैंने अजमेर का रिव्यू देखा था आपका, देखा था बिल्कुल, तो उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स? हाँ रिलैक्स हुआ था, पर ये कंफर्म हो गया ना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, क्या क्या लग रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल। और जैसे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि कैसे प्रिपेयर करें या कैसे अपने आपको मोटिवेटेड रखें? देखिए प्रिपरेशन में तो ऐसा है कि आप किसी भी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, कि आप GK हैं तो आप इसको थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते, आपको पर्टिकुलर सारी सब्जेक्टों पर ध्यान देना पड़ेगा। और तो क्या है, जो टेस्ट सीरीज रेगुलर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बस। तो टेस्ट सीरीज एक 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 क्वेरी रहता है बच्चों का, जब जैसे कोई स्टार्ट करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमें कब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं थ्योरी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, एक साल तक पढ़ ही रहे तो उसमें टाइम चल जाता है, तो कब डिसाइड कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज अब ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए टेस्ट सीरीज आप जो भी लो, जो भी आप उसमें इतना ध्यान रखें, वो चैप्टर वाइज भी टेस्ट होने चाहिए उसमें। अच्छा। उसके बाद ओवरऑल टेस्ट भी होनी चाहिए, ओवरऑल टेस्ट होनी चाहिए। हाँ तो आप जिस ड्यूरेशन में ही आप टेस्ट सीरीज ले लो, चैप्टर वाइज भी टेस्ट भी दो, उसके बाद जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप ओवरऑल टेस्ट। तो आप मतलब कितने थ्योरी जब पढ़ना शुरू किया था या JEE का जो आपने टेस्ट सीरीज दिया था? हाँ। कब दिया था, फॉर्म निकलते ही दे दिया था या प्रिपरेशन करने के 2 महीने? जी ऐसा था, जो JEE का जो टेस्ट सीरीज मैंने दिया था वो फॉर्म निकलने के जो दिया था वो तो मैंने नॉन टेक का दिया था। अच्छा। जस्ट पहले नॉन टेक में ज़्यादा स्कोर करने का था, उसके बाद जब नॉन टेक पेपर हो गया था उसके बाद अब लग गया था मालूम कि अपना क्वालिफाई हो जाएगा फर्स्ट पेपर, तो उसके बाद मैंने सेकंड CBT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, था कॉन्फिडेंस इसमें कितना मायने रखा आपका, और मॉक टेस्ट से क्या आपको कॉन्फिडेंस मिला? कॉन्फिडेंस तो मॉक टेस्ट से मिलता ही है, मिलता ही है बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो 1 घंटे 1.5 घंटे का ही आपका खेला होता है। हाँ। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, बिल्कुल। अच्छा एक और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस जो होते हैं जो भी बच्चे तैयारी में आते हैं उनको बहुत मतलब कीड़े की तरह
दिक्कत देता है। बिल्कुल। तो जनरल अवेयरनेस को कैसे हैंडल करें, एक न्यू बिगिनर जो स्टार्ट करने वाले तैयारी उनको क्या बताना चाहेंगे? जनरल अवेयरनेस को तो क्या है, आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में या फिर दो महीने में लास्ट एग्जाम के टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हो। उसको आप रेगुलर ही पढ़े और करेंट अफेयरेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, और पर्टिकुलरली ऐसी तो कोई बुक है नहीं, मैं आपको बताना भी नहीं चाहता क्योंकि वो फिर बेकार काम। हाँ, पर्टिकुलरली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो और जितना आपके पास मटेरियल है उसको 100% करो बस, किसी कोचिंग का या फिर कहीं पे भी हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, थैंक यू।